अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन साइंस ऑनलाइन क्लास। आई एम फ्रॉम दार एरकम स्कूल बनीगाला कैंपस, ग्रेड वन। दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड लेक्चर नंबर 4। एंड द टॉपिक ऑफ आर लेक्चर इज़ एनिमल्स एंड हाउ दे लिव। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल एंड हाउ दे लिव। ओके, इन दिस यूनिट यू विल लर्न दैट एनिमल ब्रीथ, मूव, ईट एंड ड्रिंक, दे ऑल्सो डाई। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेज एंड दे हैव different types of homes. Animal can be domestic or wild. Animals are a source of food and transport. Animals have different body parts. Some animals eat plants, some eat other animals. Okay, so start our chapter. There are many kinds of animals. Underline animals. जो जो words underline हैं वो भी आप मेरे साथ साथ underline करते जाएँ। ये difficult word आपने अपनी notebooks के ऊपर लिखने हैं, ठीक है। सम आर वेरी बिग, अदर्स आर टाइनी। अंडरलाइन टाइनी, यानी कि कुछ एनिमल्स बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। एनिमल्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। दे मूव, दे ब्रीथ, दे ईट एंड ड्रिंक। ब्रीथ, मूव एंड ड्रिंक को अंडरलाइन करें, यानी कि एनिमल्स मूव भी करते हैं, ब्रीथ भी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। दे हैव बेबीज, अंडरलाइन बेबीज। दे डाई, यानी कि उनके बेबीज़ भी होते हैं और वो डाई भी करते हैं, यानी कि अब देखें हर चीज़ जो इस दुनिया में है, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, वो ज़रूर जो है वन प्रोसेस उसकी लाइफ में क्या होता है कि वो डाई, यानी कि उसने मरना ज़रूर होता है। सम एनिमल्स आर वाइल्ड एंड दे लिव अवे फ्रॉम पीपल इन जंगल। वाइल्ड एनिमल आर द एनिमल दैट लिव इन द जंगल्स। दे डोंट लिव विद द ह्यूमन्स, दे लिव इन द जंगल। सो वाइल्ड जंगल को भी अंडरलाइन करें। ओके, डिस्कस एंड आंसर। वट एनिमल्स कैन यू सी इन दिस जंगल? ठीक है, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। आप क्या क्या इसमें देख सकते हैं? क्रोकोडाइल, आउल, फॉक्स, स्नेक, टाइगर एंड मंकी। दीज आर ऑल वाइल्ड एनिमल, दे लिव इन जंगल। ओके, टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज। वेयर डू एनिमल्स लिव? एनिमल्स रहते कहाँ हैं, किस जगह रहते हैं? सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम इन ट्रीज एंड मैनी लिव इन वाटर। कुछ लैंड, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कुछ दरख्तों के ऊपर और कुछ पानी के अंदर रहते हैं। लैंड, ट्रीज़ और वाटर को अंडरलाइन करें। इन अ गार्डन देयर आर मैनी स्मॉल एनिमल्स, दे लिव ऑन द ग्राउंड और इन ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। यानी कि वो ग्राउंड में भी रहते हैं, ट्रीज़ पे भी और प्लांट्स पे भी। सो लुक एट दिस पिक्चर, हेयर आर सम एनिमल्स, विच वन हैव यू सीन? काउ, कैट, डॉग, ईगल, रैबिट, रैट, फ्रॉग, दीज आर स्क्विरल, दीज आर ऑल स्पैरो एनिमल्स। ओके, सो हैव यू सीन एनी वन ऑफ एनिमल? डिड यू सी काउ? Did you see cat, dog? Did you see frog? You see all these animals. You have seen all these animals, okay? Some animals are tame and live with us or work for. They are called domestic animals. Domestic animals, those animals who live with us, okay? Jaise ki cow, dog, cat, these are the domestic animals, okay? Look at the pictures of animals on page 39 and 40. Which of the animal live on land or in water and which of them can fly? So you tell me in the worksheet, ठीक है? Observe these pictures on page number 39 and 40 and tell me which animal live in the water and which on the land and which can fly, okay? This is your task. Student, our next topic is why are animals important to us? क्या एनिमल होना हमारे लिए ज़रूरी है? येस, सम एनिमल्स आर अ सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। एनिमल्स गिव अस मीट, मिल्क एंड एग्स। अंडरलाइन सोर्स, मीट, मिल्क एंड एग, यानी कि हमें एनिमल से क्या मिलता है? हमें बहुत सी फूड मिलती है, हमें एग्स मिलते हैं, मीट मिलते हैं, ठीक है। सो गोट गिव अस मीट, हैन गिव अस एग, फिश गिव अस मीट। Animal help us in many ways. So look at this picture. Talk about how the animals in the pictures below are useful to us. Dog. How dog is helpful to us? Yes, it's a source of protection for us. Horse.
हॉर्स इट्स कैरी मैनी लॉर्ड्स, एग हैन गिव्स अस एग एंड शीप गिव अस वूल एंड एज वेल एज मीट. ओके सो सम एनिमल्स आर यूज फॉर वर्क सच एज फार्मिंग और कैरिंग पीपल और हैवी लॉर्ड्स. दीज ऑल एनिमल्स आर यूज फॉर कैरिंग हैवी लॉर्ड्स. सो स्टूडेंट दीज आर द एनिमल्स दैट हेल्प अस इन फार्मिंग और कैरिंग हैवी लॉर्ड्स. वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स. हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स. सो गिव दैम फ्रेश वाटर. ऑलवेज फीड हेल्दी फूड टू एनिमल्स. Keep their homes clean. Okay. Never disturb or hit animals. Okay. So these are the ways. Okay. Speak with me and learn. Give them fresh water. Always feed them healthy food. Keep their homes clean or never disturb or hit animals. Okay. I hope you understand. Watch this video very carefully. After that, I'll send you a worksheet. Okay. Allah Hafiz.